लग गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड एफोर्स ग्रुप सी का। दोस्तों, आपके लिए फाइनली फिर से एक रिव्यू लेकर आ चुके हैं और इसमें आप रिव्यू के अंदर कंप्लीट जानकारी देखेंगे। दोस्तों, बड़ोदरा स्टेशन गुजरात का ये रिव्यू है और इसमें जो क्या क्या प्रोसेस आपकी कंडक्ट करवाई जा रही है, सारी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है कि आपके लिए 18 नंबर टेस्ट सीरीज जो कि यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो सभी कैंडिडेट आकर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, इसकी आंसर की आपकी 29 जुलाई को आपकी जारी कर दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट यहां पे जो कि इस आंसर की को यहां पे लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ टेलीग्राम पे ही आपको ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, यहां पे आपके लिए रिव्यू हम जो हो चलते हैं आपके रिव्यू की ओर। तो जो भी कैंडिडेट नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी मेरे से पर्सनली डाउट चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे इनका एग्ज़ाम माय एयरफोर्स एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 24 जुलाई को इनका एग्ज़ाम था वडोदरा स्टेशन गुजरात में। यहाँ पे इनका जो यहाँ पे एग्ज़ाम था एयरफोर्स स्टेशन दर्जीपुरा एयरफोर्स स्टेशन, और बेस्ट ऑफ लक मैंने यहाँ पे बोला था जब इनका एग्ज़ाम था। सर, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। टोटल 100 क्वेश्चन आपके आए थे, 25 मैथ से थे, 25 इंग्लिश थे, 25 रीजनिंग से, 25 जनरल अवेयरनेस से, 23 जीके से सही किए हैं, 24 रीजनिंग से, 19 मैथ्स के और 18 इंग्लिश के। तो बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। उसके बाद पेपर इजी था सर, लेकिन बच्चे 600 होंगे मेरी शिफ्ट में। टोटल 600 कैंडिडेट यहाँ पे आए थे। और जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, ताकि आप जो मेरिट में बिल्कुल भी नहा रहे। ट्रेड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं था, और 3 क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर से थे, और नीति का फुल फॉर्म पूछा गया था। 1 क्वेश्चन जो हो यहाँ पे जो हो क्रिप्टो करेंसी से था, और यहाँ पे दोस्तों एक जो यहाँ पे उद्यान से था, और एक था यहाँ पे मजदूर दिवस का मनाया जाता है ये पूछा गया था। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, फ्लैग कलर कितने होते हैं ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। रीजनिंग में 5 सीरीज से थे, और 6, 18, 4 इस प्रकार की एक सीरीज़ आपको दी गई थी, और 25, 36, 49 इस प्रकार की भी एक चीज़ दी गई थी। इसमें भी आप खुद देख सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही थी। तो कितना आसान पेपर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, खुद देख सकते हैं। आम पपीते का संबंध और केले आलू का ये भी पूछा गया था। नेपाल भूटान भारत अमेरिका इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन जो कि था डिफरेंस से रिलेटेड, और पेन किताब बैंक शूज इसमें से आपको दोस्तों सेपरेट जो डिफरेंस जो यहां पे आपको क्रिएट करना था। उसके बाद यहां पे इंग्लिश में 5 सही और दोस्तों मीनिंग बताना था, इसके 5 क्वेश्चन थे। टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आइटम फ्रेज से इंग्लिश में यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों 5 ऑपोजिट मीनिंग बताने थे, और एक आर्टिकल का था, और मैथ्स के 3 वो परसेंटेज से थे। परसेंटेज को भाई अच्छे से वेटेज में रखो, और मैथ्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आ रहा है कि दोस्तों एक SI का था यानी साधारण ब्याज का था, ऐड करना 3 ऐड करना था, और यहाँ पे इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया था। और दोस्तों इसमें जो आपके परसेंटेज और जो आपकी मैथ्स है वो इसमें अर्थमेटिक यहाँ पे दोस्तों आ रही है। और ये भाई ने हमें जो हो यहाँ पे मैं आपको ये लगा दूंगा वीडियो जो कि यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है, ये भाई का पिक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो दर्जीपुरा एयरपोर्ट स्टेशन था, इनका एग्ज़ाम था कल था, और देखिए इनका जो मेरे पास अभी जो इसका अपडेट पहुँचा था। और यहाँ पर आप बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट जो में जो हो क्या क्या चेकअप यहाँ पर किया गया था, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट, बस। दोस्तों यहाँ पे आपको RT-PCR वगैरह की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। इसके बाद मोबाइल जो हो जमा करवा दिया गया, और उसके बाद हॉल में आपको जो हो ले जाया गया वहाँ पे, और ये सारी प्रोसेस दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हो रही है। पेपर सर MTS का था, बिल्कुल हलवा पेपर था, बट मैंने यहाँ पे XY ग्रुप की प्रिपरेशन की थी। 257 वाले कैंडिडेट हैं भाई, और ये वडोदरा स्टेशन का आपका यहाँ पे रिव्यू था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।